मध्य प्रदेश के नागदा उन्नील मार्ग पर एक सड़क हादसे में 4 बच्चों की मौत हो गई और 11 बच्चे घायल हो गए। स्कूली वैन बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। जानकारी के मुताबिक वैन में बैठे बच्चे नागदा के फातिमा कॉन्वेंट स्कूल के थे। जब वैन बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी, तभी सामने से गलत दिशा से आ रहे ट्रक ने वैन को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयावह थी कि वैन का अगला हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया। घायलों को अस्पताल में कराया गया एडमिट। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से घायल बच्चों को उज्जैन की ओर जा रही बसों से अस्पताल ले जाया गया। कुछ घायलों को जिला अस्पताल में तो कुछ को निजी अस्पतालों में एडमिट कराया गया है। वहीं इस घटना को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, उज्जैन जिले में सड़क दुर्घटना में हुई 4 बच्चों की आकस्मिक मृत्यु पर गहरा दुख हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हृदय विदारक घटना है। उज्जैन जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों की आर्थिक सहायता और घायल बच्चों के समुचित उपचार के प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये घटना उन्नील नागदा मार्ग पर हुई, जब स्कूली बच्चों की टेम्पो टैक्स और एक ट्रक में भिड़ंत हो गई। टेम्पो टैक्स में 15 बच्चे सवार थे। स्कूल जा रही टेम्पो टैक्स में घायल हुए अन्य बच्चों का उपचार अस्पताल में चल रहा है।